जो देश के जनता है, देश के आम लोग हैं, वो ब्लडेड हैं, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। ये पॉलिटिशियन जो जिस तरीके से नफरत की राजनीति शुरू करता है और बांटो और राज करो, यह चलने नहीं देंगे। इनको समुद्र के घाट पर ही रहना पड़ जाएगा इन पॉलिटिशियन को, फिर गंगा के कछार ये भूल जाएंगे। इसीलिए हम आग्रह करेंगे कि अविलंब एसपीडी ट्रायल, अविलंब एक जांच बैठाइए हाईकोर्ट के से, और इस वर्तमान सीएम जिस तरीके से 3 दिनों तक नंगा नाच करने की इन्होंने छूट दी, इसके पीछे इनकी मंशा थी, गहरी साजिश थी, या मौका ढूंढ रहे थे कि किस तरीके से चुनाव के मौसम में ऐसी राजनीति, ऐसी गंदगी को पैदा किया जाए। जो भी दोषी है उसको आप सजा दीजिए, और इस सीएम को 1 मिनट भी रहने का राइट नहीं है, इनको इस्तीफा देना चाहिए यानी तो हटाया जाना चाहिए। देश जिससे टूट जाए, नफरत के कंगाल पर हो जाए, वहां पर 1 मिनट भी ऐसे पॉलिटिशियन को रहने का राइट नहीं है। हम पूरा बिहार इस बच्ची और इस परिवार के साथ हैं, हर तरह से साथ हैं, और पूरे बिहार की ओर से हम पूर्वांचल की ओर से मांग करते हैं कि 1 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके उसको फांसी की सजा दी, सख्त से सख्त ऐसी फांसी सबके सामने, ताकि दुनिया कांप जाए कि फिर कोई बेटी को देखने की हिम्मत ना करे, ये हम मांग करते हैं। लेकिन बिहार के साथ राजनीति करना बंद करे इस देश के पॉलिटिशियन, चाहे कोई हो, चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे बॉम्बे में हो। बिल में बैठ करके राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो कभी कभी बक बक करते रहता है और कभी मणिपुर में बिहारियों पर जुल्म करता है, तो ये चीज आगाह है हमारी इस धरती से, ये बंद करे, अन्यथा महाभारत से बड़ी युद्ध होगी इन पॉलिटिशियन और सिस्टम के खिलाफ। साहब, आपका ये कहना है कि मोदी जी और बीजेपी ने करवाया है?